अभी झाड़ लेके भाई साहब जा रहे थे कार पे। फैशन सेंस में लोग अपने आप को रणवीर सिंह समझने लगते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडेज व्लॉग इज अ लॉट ऑफ फन। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड विल गो टू मंदिर। आफ्टर वर्शिपिंग वी विल गो टू शर्मा चाय, क्योंकि अगेन बड़ी स्पेशल, बड़ी फेमस लोकेशन है लखनऊ की। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो यहाँ पे लाइटिंग सब सेटअप आप देख सकते हो। जल्दी नहाया आज, काफ़ी दिनों के बाद, बिफोर सनराइज। एक्चुअली दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अभी तक के लिए आप देखिए ये वाला ब्लॉग। मन का मिशन मंदिर चल रहा है, वही वाला जो पुल है ना, उसे तो सीधा वही मोड़ लेते हैं। जय भोलेनाथ, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, मन का मिशन मतलब मन की इच्छा। मन की इच्छा, बिल्कुल, कामना पूरी करने वाले मंदिर। बड़ी मान्यता है बेसिकली इस मंदिर की। तो अगर आप लोग लखनऊ विजिट कर रहे हो तो भोले बाबा के जरूर दर्शन करके जाइए। जा रहे हैं आज, हम लोग की फर्स्ट एनिवर्सरी है। पहली बार मैरिज किया ना इस समय लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत अर्ली है, लोगों को लग रहा है कि भाई कहाँ कार निकले, समय कहाँ निकले। तो गाइस, ये जो फ्लाईओवर बना है नया नखास के ऊपर से, जो फ्लाईओवर है चौक नखास अगर आप लखनऊ में, तो आई थिंक काफी सहूलियत देता है ये जितने भी फोर व्हीलर वाले हैं, क्योंकि हर जगह से कनेक्टेड है ये एरिया। दोस्तों ये है बड़ा इमाम बाड़ा, यहीं पे लोग विजिट करने आ रहे हैं। आप जय हो। दोस्तों तिलक लग चुका है, मंदिर के दर्शन हो गए हैं। सो सुबह पंडित जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए कोविड टाइम्स। अब हम लोग वापस चलते हैं, चलिए। हनुमान सेतु जी के दर्शन करने भी आ गए हैं। ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे ऊपर हनुमान चालीसा पूरी लिखी चल रही है। तो यहाँ पे गुरुकुल भी है, आप देख सकते हो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नीम करोली बाबा जी के द्वारा ही ये निर्माण हुआ है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। ऐसी जगहों पे आकर के बहुत ही अच्छा एहसास होता है, मन को शांति मिलती है। कितनी चीज़ें हम लोग देखते हैं, हेट देखते हैं संसार में, हर तरीके की चीज़ देख रहे हैं। मैं थोड़ा फिलोसफर हो रहा हूँ सॉरी, लेकिन ऐसी जगहों पे आकर के हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम लोग सब ऊपर वाले की ही वजह से यहाँ पर हैं, उसने ही हमें बनाया। तो आई थिंक आना चाहिए यहाँ पर और यहाँ के दर्शन करने चाहिए। हनुमान से तो आकर के मुझे काफ़ी सालों के बाद एक बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, और नॉस्टैल्जिक भी हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले मैंने यहाँ करके पहला अपना परफॉर्मेंस अपने कुछ दोस्तों के साथ दिया था। ये मेमोरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। मम्मी यही कह रहे हैं कि इतनी फेमस जगह है ये शर्मा चाय, यहाँ पे लोग इतना दूर दूर से चाय पीने आते हैं सिर्फ। ये मलाई मक्खन जा रहा है, बड़ा फेमस लखनऊ का। हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट पता कौन है गाइस? ये है मेरी वाइफ, उनको इतने सालों के बाद शर्मा चाय पीने का मौका मिल रहा है। एक चुस्की लेके देखिए, मस्ट विजिट है ये प्लेस शर्मा चाय इन लखनऊ। मैं थोड़ा सा फूड रिव्यूअर बनने वाला हूँ यहाँ पे। बहुत ही कड़क चाय है, ऐसा लगता है एकदम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से लोग चाय बनाते हैं। मिल्की फ्लेवर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो स्पाइसेस भी ब्लेंडेड बहुत अच्छे से हैं, और
पानी ऑब्वियसली इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो इतना अच्छे से ताड़ा है इसको, इतना अच्छा मिल गया। खुश हो ना आज? हाँ, मजा बहुत ज्यादा। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं शर्मा चाय से, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अभी एक आदमी कार पे झाड़ लेके जा रहा है। लोग फैशन के मामले में रणवीर सिंह समझ लगते हैं अपने आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अब सोप्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरीके के, जैसे कुछ ऑर्गेनिक सोप्स आए हैं खादी कंपनी के। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के सोप्स चाहिए तो मैं आपको द बॉडी शॉप का मोरिंगा डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। बहुत ही हाई क्वालिटी, नेचुरल, एकदम फ्लावर से, मोरिंगा फ्लावर से बना हुआ। और जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया, एक प्लेजेंट सी फ्रेश सी वाइब आपको देता रहेगा। तो रिकमेंड करूंगा आपको मोरिंगा ट्राई करिए। अगर ऐसे वेदर में आप बाहर निकले हो, आप घूम रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो आई थिंक प्राडा लोम इज अ ग्रेट चॉइस इस वेदर के लिए। क्लोज एनकाउंटर है। और आज मैंने अपनी मॉम को कॉम्प्लीमेंट किया CK1 के लिए। शी वॉज वेयरिंग CK1, शी इज एक्चुअली इन फैक्ट वेयरिंग CK1 राइट नाउ। और बड़ी हल्की सी वाइब आएगी, उसकी फ्लोरल सी वाइब है, सिट्रस वाइब है, अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। एवरी डे के लिए आप कोई फ्रेग्रेंस देख रहे हो, थोड़े टाइट बजट पे हो, मिड रेंज आप अफोर्ड कर सकते हो 2-3 हजार की, तो CK1 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। प्रोजेक्शन नहीं है उसकी, इट्स वेरी लेस प्रोजेक्शन, बट इफ समवन इज क्लोज टू यू दे कैन डेफिनेटली नोटिस इट। एंड मैंने जैसे बताया, मैंने अपनी मम्मी को कॉम्प्लीमेंट किया CK1 के लिए, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ। इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, इफ यू आर अ वुमन यू कैन वेयर इट, इफ यू आर अ गाय यू कैन डेफिनेटली रॉक इट। सिट्रस फ्लोरल, व्हाइट फ्लोरल एंड प्राडलो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो एक वर्सेटाइल सेंट है। अब बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोग से एक और सेरेमनी शेयर करूंगा जो कि हमारे पंजाबी में होती है, चूड़े की रस्म, जो नू होती है पंजाबी में कहूँ, या बहू जो होती है घर की। तो वो साल के कंप्लीशन के बाद, या डिपेंडिंग अपॉन वो कितना चूड़ा पहनना चाहें, तो ये जो चूड़े होते हैं ना, तो उसको एक साल कंप्लीट हो गया है। Bye.